अब हमें अगली बार डालना ना नहीं डालना वो जरूरी है। क्या मैं इधर का रहने वाला हूँ स्टेट का जी, तो बहुत जरूरी डालना। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 26 सीटों पर सुबह से ही वोटिंग जारी है। मतदान केंद्रों में सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। लोगों में 10 साल बाद हो रहे चुनाव को लेकर उत्साह है। इसी क्रम में श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र कटरा में मतदान केंद्र पर विधानसभा के दूसरे चरण में वोट डालने के लिए कतार पर खड़े लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बलदेव राज शर्मा ने अपना वोट डाला। रिपोर्ट द स्ट्रेट टाइम्स कटरा। मेरा नाम नितिका दुबे। सर अच्छा लगा फर्स्ट टाइम वोट डालने से। पहले तो कभी पता नहीं था कि कैसे वोटिंग होती है, कैसे वोट्स डाले जाते हैं। फर्स्ट टाइम वोट डालने से ऐसा मतलब पता चला कि कैसे वोट्स डाले जाते हैं, कैसे क्या होता है। नहीं तो पहले तो कुछ पता ही नहीं था कि कैसे, घर वाले वोट डालने जाते थे बट हमें ऐसा कुछ नहीं था कि कैसे वोट डाले जाते हैं। अच्छा लग रहा है। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जैसे कि सब कुछ जो भी काम है जो नहीं हो पा रहे हैं या जो नहीं हुए हैं, अगर हम किसी को वोट दे रहे हैं वो हमारे लिए बस इतना सा कर दे कि कोई भी काम है उनको सब कुछ अच्छा से कर। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है वोटर के लिए? सिर्फ वोटर्स के लिए तो ये मुद्दा है कि मतलब अगर कुछ भी है, मतलब कोई भी चीज़ है, तुम्हें बस ये करना है। अगर कोई भी चीज़ मतलब तुम्हें कोई भी अगर कह रहे हैं कि मतलब ये चीज़ बनानी है या कुछ भी, बस सब कुछ अच्छा सा हो जाए। अगर हम तुम्हें जिता रहे हैं तो तुम्हें भी हम लोगों के बारे में सोचना चाहिए। यंग वोटर को क्या मैसेज है? ये मतलब उनको तो ये मैसेज दूंगी जैसे कि कोई भी घर पे जो है वोटर्स सभी वोट डालने हैं, सबका राइट है वोट डालना, एक अच्छी चीज़ है। हमें तो मौका मिला है कि हम वोट डालें, तो मतलब अच्छे किसी भी अच्छे इंसान को वोट डालो जिससे हमें भी पता चले कि हमने उनको मतलब जिताया है, अच्छे से वोटिंग की है, वो भी हमारे लिए कुछ कर। मैं तो सबसे अपील करना चाहता हूँ कि श्री माता वैष्णो देवी की जो विधानसभा हमें कटरावासियों को मिली है उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि समक्ष सारे लोग आके भारी मतों में वोट करें और वोट करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें, बलदेव शर्मा के पक्ष में वोट करें और आने वाले दिनों में ये कटरा की तरक्की तरमीर के सारे आयाम यहाँ पे खुलेंगे। यही मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ। रोजगारी कटरा में जो मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ व्यवसाय आने की वजह से, IMS आने की वजह से, नेशनल हाईवे आने की वजह से और ख़ासतौर पर त्रिकुटा पर्वत की परिक्रमा आने से यहाँ पे रोजगार के मतलब के रास्ते खुलेंगे।